इधर धनबाद के बागमारा में भू धसान हुई और तीन परिवारों का आशियाना जमीन में समा गया। पीड़ित मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभाग के उदासीन रवैये के कारण ये लोग दर दर भटक रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एक और सुबह पर कहानी वही पुरानी। बाकियों के लिए तो रविवार की यह सुबह सुकून लेकर आई थी, लेकिन बाघमारा के तीन परिवारों के लिए यह सुबह काल बनकर आई। जोगता 11 नंबर दलित बस्ती में अचानक जोरदार आवाज हुआ, धरती फटी और तीन परिवारों का आशियाना जमीन दोज हो गया। तुम्हें कमाते खाते रह गया, कुछ सरकार देवल नहीं खोज रहा, कहां जाके रहे, कुछ हम लोग के व्यवस्था दीजिए। घटना घर धस गया, 6 आदमी के, बहुत दिन से 83, 82, 84 हम लोग को उतना नामे नहीं जानता। देख ला, हमारे यहाँ नाती है, पोता है, सास ससुर गुजर गया हमारे यहाँ पर कोल फिट में नहीं, और कमा खा रहा हाजरी फाजरी में। हम लोग के देहात नहीं है, सब दिन यहीं रह गए धनबागे में, उतना दूर नहीं जाएंगे। देखिए स्टूडियो के पीछे में है, हम लोग के उन्हें जेल खोजता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में होती रहती हैं, लेकिन संबंधित विभाग घोर निद्रा में सो रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि BCCL ग्रामीणों के पुनर्वास की कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हर बार बस होती है खाना पूर्ति और जरेड़ा के तहत खंडरनुमा आवासों में बसाने की बात कही जाती है, जहाँ ना तो रोजी रोजगार की सुविधा है और ना ही दिनचर्या की कोई सुविधा। हुआ है अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ जितने लोग अनऑथराइज्ड रूप से बसे हुए हैं उन लोग को करने का बार बार नोटिस दिया गया है, इविक्शन ऑर्डर दिया गया है। बल पूर्वक ही रहता है, अनऑथराइज्ड में रहता है। नियमानुसार इन लोग को जरेडा के तहत जो भवन बना हुआ है उसमें शिफ्ट करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन इन लोग शिफ्ट करने से इनकार करता है, शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, जिसका खामियाजा इन लोग देखिए, पोर्ट होल में खतरा से बचा, अभी इन लोग का हम लोग तत्काल कुछ व्यवस्था किए हैं राशन पानी का, टेम्प्रोरी कहीं पर उन लोग सेटल करेगा और उन लोग मन बनाए जरेडा के तहत जो आवास है उसमें हम शिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं। हर रात जब इस क्षेत्र के लोग सोने जाते हैं तो उन्हें बस यही डर रहता है कि अगली सुबह कैसी होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब BCCL विस्थापितों को पुनर्वास कराती है और कब ये लोग चैन की नींद सो पाते हैं। धनबाद से TV45 के लिए राजू वर्मा की रिपोर्ट।